हेलो डियर फ्रेंड, आज हम देखने वाले वैकेंसी जो कि अभी निकली हुई है इंडियन नेवी के अंदर। इंडियन नेवी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बेसिकली अनमैरिड मेंस एंड वुमेन्स के लिए। इसमें अगर आप देखें तो ऑफिसर्स की, सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंतर्गत आपकी पायलट, ऑब्जर्वर स्पेशलिस्ट, एजुकेशन ब्रांच में आप देखें तो लॉजिस्टिक ग्रेड, इन सब की जो वैकेंसीज है वो अभी निकली हुई है। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो वैकेंसी है ये आपकी है जैन 2020 कोर्स के नाम से। अगर हम देखें तो ये वैकेंसी अभी शुरू नहीं हुई है, ये शुरू होने वाली है। इसकी जो डेट ऑफ ओपनिंग आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है 16 मार्च से, और जो इसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पे मेंशन है वो है 5th of April 2019। इसके लिए एक कंडीशन, एकमात्र कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये कि अनमैरिड एलिजिबल मैन एंड फीमेल जो है वही इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड थिंग जो इन्होंने बोली है कि आपका जो भी रिक्रूटमेंट है उसके बाद में आपको कहाँ कहाँ पे पोजीशन दी जाएगी वो इसमें आपको मेंशन करके दिया हुआ है। एक और चीज जो इसमें मांगी है कि जो कैंडिडेट है वो फुली नेशनल इंडियन, मतलब इंडियन होना चाहिए। आइए हम इसको डिटेल में देखें तो इसका एज क्राइटेरिया, वैकेंसीज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। पहली पोस्ट आपकी ऑब्जर्वर के लिए, इन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दी गई है कि आपका जो जन्म दिनांक और ईयर है वो 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2001 के बीच का होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज एज यहाँ पे इन्होंने दी 55। टाइप ऑफ कमीशन ये एसएससी के अंदर रिक्रूटमेंट है, जेंडर मैन एंड फीमेल में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिसिप्लिन के अप्लाई कर सकते हैं विद फिजिक्स एंड मैथ्स जिनका 12th स्टैंडर्ड में हो। वैकेंसी है 6। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी पायलट की, पायलट में भी इन्होंने ईयर दिया है 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2001 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 60% है, मैन एंड वुमेन कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है। आगे हम देखें तो दूसरी वैकेंसी है पायलट अदर देन एमआर, जिसमें भी आपका ईयर सेम दिया हुआ है, इसके लिए सिर्फ मैन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैकेंसी है 5 वैकेंसी। आगे हम देखें लॉजिस्टिक में, तो लॉजिस्टिक में आपका ईयर 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच का होना चाहिए, जिसमें मैन अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट अंडर पीसी है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी बी बी टेक विथ फर्स्ट क्लास या फिर एमबीए या फिर बीएससी विथ फर्स्ट क्लास, और आपके पास होना चाहिए पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल बैलेंसमेंट, या फिर आपके पास एनसी एमएससी विथ फर्स्ट क्लास हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसी है इसमें 15 पोस्ट है। लास्ट में आपकी 5th नंबर की वैकेंसी एजुकेशन में, जिसमें आपका ईयर है 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 1999 तक के बीच के बॉन्ड लो, मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी एमएससी फिजिक्स अप्लाइड विथ न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर मैथ्स इन बीएससी, एमएससी विथ मैथ्स एंड ऑपरेशन रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी, केमिस्ट्री केमएससी में विथ फिजिक्स इन बीएससी, एमए इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमए हिस्ट्री वाले कर सकते हैं, बी बी टेक मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, बी बी टेक साइंस बैकग्राउंड के जो भी हैं आईटी कंप्यूटर वो अप्लाई कर सकते हैं, बी बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बी बी टेक सॉफ्ट वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, हार्ड वाले भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको जनरल बी बी टेक इन एनी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे एज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एज के कारण आपका थोड़ा एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद में हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, जो उन्होंने इयर्स ऑफ बर्थ बताया उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी अच्छी बात ये है कि इसका आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कॉल अप फॉर एसएसबी। हाँ, एसएसबी का जो एग्जाम है इंटरव्यू वो कंडक्ट किया जाता है नेवी आपकी जितनी भी फोर्सेज है उनके थ्रू। इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू देखा जाएगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी, मिनिमम 60% मार्क्स 10th में 12th में इन इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। आप एक ही पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन भेज सकते हैं, ओके। जो कैंडिडेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो ब्रांच में अप्लाई होते हैं, अगर आपकी ब्रांच वही है जो मांगेगी तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा,
एंड प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी एसएसबी में रेटिंग की जाएगी। ओके, अब जैसा इन्होंने बोला है कि अगर बी बीटेक मांगा है तो बी बीटेक ही आपको देना पड़ेगा, उसके इक्विवेलेंट कुछ और यहाँ पे नहीं ले सकते। उसके बाद में अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें एजुकेशन में, तो मैंने आपको बोला कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू से रिक्रूटमेंट होगा। फिजिकल में हम देखें तो फिजिकल का अभी तक इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बट फिजिकल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट की वेबसाइट है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, उस पर जाके आप इसका स्टैंडर्ड जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है गाइडलाइंस वो आप देख सकते हैं। हाइट और वेट में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, मेडिकल में कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कुछ चीज़ें इन्होंने आपको बोली है कि कितना पेमेंट मिलेगा। ऑब्वियसली ये सेवन्थ पे स्केल की वैकेंसी तो पेमेंट आपका हाई ही होने वाला है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसके लिए आपको नॉर्मली इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल होंगे मई 19 टू अगस्त 19, और वो आपके रखे जाएंगे बैंगलोर में। ओके, उसके अलावा आप बैंगलोर, भोपाल, कोयम्बतूर, विशाखापट्टनम, केरला, यहाँ पे एसएसबी के इंटरव्यू हो सकते हैं, तो वहाँ पर जाके आपको एसएसबी के इंटरव्यू देना होंगे। इंटरव्यू जो है अगर इसके हम डिटेल देखें तो इंटरव्यू में आपके 5 डे के इंटरव्यू हो सकते हैं। अगर आप स्टेज वन क्लियर करते हैं, स्टेज वन डे वन को होगा, स्टेज वन क्लियर करते हैं तो आपको स्टेज टू के लिए अप्लाई करने का चांस मिलेगा। स्टेज वन में जो टेस्ट होगा उसमें आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, पिक्चर परसेप्शन होंगे, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होंगे, ये सारे टेस्ट आपके स्टेज वन में होंगे। जो लोग स्टेज वन में फेल हो जाते हैं उनको तभी के तभी रिजेक्ट करके रिटर्न कर दिया जाएगा। जो लोग पास होते हैं वो स्टेज टू में जाएंगे जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट एंड इंटरव्यू होंगे। उसके बाद में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं स्टेज वन स्टेज टू में, उन्हीं का ये लोग मेडिकल लेने वाले हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन वापस 3 से 5 दिन चलने वाली है। उसके बाद में फिर वो बाद में आपका पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट लेंगे और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इनका मेन क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 60% मार्क्स होना चाहिए 10th और 12th में। उसके बाद में इन्होंने और डिटेल दी है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग का इन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि दिसंबर के एंड से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। एक चीज़ जो इन्होंने सबसे ज़्यादा नोट करने को बोली, मैं भी आपको बोलूँगी कि अनमेरिड लोग ही ट्रेनिंग पे जा सकते हैं और वही यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, अब इसको हम एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि जो वेबसाइट है वो है www.jointindiannavy.gov.in। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 मार्च 2019 से लेके 5 अप्रैल 2019 तक, तो आप 16 मार्च से इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भेजना है, इसमें सारी डिटेल्स आपको इसमें मेंशन की हुई है। कोई भी बीटेक वाले, 12th वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एज का और आपकी डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वैकेंसी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।